मिला मसाला रस बहुत बढ़िया बना है, ट्राई करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद आज हम बनाएंगे प्रॉन बिरयानी, प्रॉन टिक्का बिरयानी बनाना चाहती हूँ तो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। सबसे पहले प्रॉन को 1 kg यहाँ पर धोकर इसको साफ करके ले ली हूँ। फिर एक प्लेट ले लेना, बाउल ले लेना, जो भी पसंद हो आपको अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डाल रही हूँ, यानी 2 टेबल स्पून। तो अदरक लहसुन डालने के बाद यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच रख रहे हैं, और यहाँ पर चावल का आटा हम ले रहे हूँ 2 चम्मच, यानी 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। थोड़ा सा बड़े चम्मच में लीजिएगा। यहाँ पर एक अंडा डाल रही हूँ, पर कसूरी मेथी ये भी 2 टेबल स्पून तक होगा। थोड़ा सा दही डालेंगे 1 टेबल स्पून तक। यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, और यहाँ पर मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 2 टीस्पून, काली मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पर 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल देना है, यानी मैं 1/2 डाल रही हूँ। अच्छे से निचोड़ के डाल दीजिएगा। सभी मसाले को मिक्स कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालना है, सरसों तेल 2 टेबल स्पून, उसको डालकर ये मसाले को मिक्स कर लेना है। यहाँ पर फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, फूड कलर डालकर मिक्स कर लेना है। सभी मसाले को मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर प्रॉन डाल रही हूँ, ये 1 kg प्रॉन है, इसको भी मिक्स कर लेना है। मिक्स करके ढककर फ्रिज में रख दूँगी। आफान बाबू रो रहे हैं, उनके पास थोड़ा सा जाऊँगी, फिर आके बनाऊँगी। अगर आपको प्रॉन नहीं पसंद है तो हम एक बात बोलना चाहते हैं, तो ये चिकन भी यूज़ कर सकते हैं 1 kg। इस तरीके से प्रॉन के जगह में चिकन डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम चावल ले रहे हैं 1 kg, 1 kg प्रॉन है इसलिए 1 kg चावल ले रही हूँ। आपको ज़्यादा प्रॉन पसंद है खाना तो आप यहाँ पर 1 kg से थोड़ा कम भी चावल ले सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से धो लेना है चावल को, और भिगो कर रख देना है साइड में 10 से 15 मिनट, या जब तक पानी बॉईल होता है तब तक के लिए हम रख देंगे साइड में। यहाँ पर एक देख में हम पानी ले लिए हैं, थोड़ा सा सहा जीरा डाली हूँ, और थोड़ा 2 टुकड़ा दालचीनी डाली हूँ, और पुदीना पत्ता यहाँ पर थोड़ा सा डाली हूँ, हरी मिर्ची थोड़ा सा डाली हूँ, और यहाँ पर केवड़ा पत्ता डाली हूँ, नींबू का जो चुप्पा था छिलका था वो डाल दी हूँ, रस निकाल कर 1/2 रखी हूँ, और यहाँ पर तेल नमक डालकर इसको ढक कर रख दी हूँ बॉयल होने के लिए। यहाँ पर तेल गरम कर लेना है। यहाँ पर सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चिकन मटन में सरसों तेल भी यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। एक एक करके यहाँ पर डाल देंगे प्रॉन, तो उसको 1 से 2 मिनट तक इसको इस तरीके से फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम में। फिर इसको पलट देना है, जब यहाँ पर लगे कि तैयार है, तल चुका है, फ्राई हो चुका है, तो एक बर्तन में निकाल देंगे, एक प्लेट में ऐसे ही 1 by 1 करके फ्राई कर लेंगे। हमारा यहाँ पर 3 बार हम इसको फ्राई कर लिए थे, इसी तरीके से इसको साइड में रख देंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं पानी बॉईल हो चुका है, हम यहाँ पर भिगोया हुआ चावल 1 kg डाल देंगे, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मिक्स करके। यहाँ पर 90% पका लेना है, थोड़ा थोड़ा हार्ड रहेगा, हम इसको ये करेंगे छान लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आलू में थोड़ा सा कलर और पानी नमक डालकर बॉईल होने के लिए रख दी हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर तेल गरम करके प्याज फ्राई करने के लिए रख दी हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं चावल
पककर ऊपर आने लगा है, इस समझ जाना हमारा चावल तैयार है। 90% पक चुका है। और यहाँ पर नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कड़ा लगे तो सही है, परफेक्ट है, अगर कम लगे तो थोड़ा सा नमक और डाल दीजिएगा। यहाँ हम 1 केजी के लिए 4 से 5 चम्मच नमक यूज़ किए थे। और इसको इस तरीके से हम सस्पान में लेकर छान लेते हैं, क्योंकि वेट है, वज़न है, 2 महीना ही हुआ है सीजनिंग को हमारा, तो इसी तरीके से जलने का भी डर नहीं। इसी तरीके से मैं छान रही हूँ, लास्ट का थोड़ा सा बचता है तो उसको उठा कर छान। यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुका है, हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर उबला हुआ आलू डाल देंगे, इस तरीके से फ्राई कर लेंगे हम। नमक और कलर और पानी डालकर इसको उबाल लिए थे, और यहाँ पर फ्राई करके आलू एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे। फिर यहाँ पर तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ। यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ जो मसाला बचा था प्रॉन का, तो उसको भी डाल दी। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, दही यहाँ पर 1/2 कप डाली हूँ, और उसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा रिश्ता डालेंगे जो प्याज फ्राई करके रखी थी, 1/2 यूज़ कर लूँगी और 1/2 बाद में यूज़ करूँगी। फ्राई किया हुआ आलू उसमें डाल देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। पुदीना पत्ता यहाँ पर कट करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो पुदीना पत्ता डालें या फिर धनिया पत्ता डाल सकते हैं। नींबू का रस 1/2 रखी थी उसको भी डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा बिरयानी का मसाला 1 चम्मच डाली और उसको मिक्स कर लेना है। ढक कर 1-2 मिनट के लिए मसाले में पका लेना है आलू को। यहाँ पर देख सकते हैं, चेक करके दिखा रही हूँ, ये आलू गल चुका है। इसको साइड में रख के एक तावा रखेंगे गैस के ऊपर, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, जिसमें चावल बनाए थे वो देख रख लेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा बिरयानी का मसाला डालेंगे, और चावल जो पसा के रखे थे 1/2 यहाँ पर डाल रही हूँ, और इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर जो आलू और मसाला पका के रखी थी उसको डाल दूँगी, और यहाँ पर इस तरीके से फैला लेना है, और प्रॉन यहाँ पर टिक्का डाल दूँगी इस तरीके से। प्रॉन टिक्का 1/2 डालना है, फिर और 1/2 बाद में यूज़ करना है। और यहाँ पर और प्याज 1/2 यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर पुदीना पत्ता थोड़ा सा डाल रही हूँ। यहाँ पर बिरयानी मसाला 1 चम्मच डाली हूँ, 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, और बाकी का बचा हुआ सभी चावल को डाल देना है, और जो बचा हुआ प्रॉन टिक्का था उसको सभी को इस तरीके से फैला कर डाल देना है, और प्याज जो बचा हुआ था लास्ट वो सभी डाल देना है, और बिरयानी मसाला और 1 चम्मच इस तरीके से छिड़क कर डाल देना है, 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, और यहाँ पर पुदीना पत्ता डाल देना है। यहाँ पर फूड कलर डाल रही हूँ, ग्रीन कलर थोड़ा सा डाली, ऑरेंज कलर थोड़ा सा डाली, और यहाँ पर रेड कलर थोड़ा सा डाली। आपको जैसे पसंद है आप एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा तेल डालकर ढक कर दम में लगा देना है 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर हम सिंपल सा दही बना लेंगे। तो प्याज और हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, जलजीरा, काला नमक, सादा नमक डालकर इसको मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से हम मिक्स कर ले रहे हैं, और 1 ग्लास यहाँ पर पानी डालूँगी। बस ये तैयार है, टेस्ट कर लीजिएगा, सिंपल बहुत टेस्टी है। यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुका है, बिरयानी दम हो चुका है, तो हम निकाल कर दिखाएंगे। इस तरीके से देख सकते हैं इसका लुक, माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार, बहुत टेस्टी बिरयानी बना था। आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आने वाले रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं, और कब जब मन करे तब ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए। सर्व करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रॉन बिरयानी बनाए जी, प्लेट में निकालो। आज पापा नहीं है, अदनान निकालेंगे और बोलेंगे कैसा बना है। पापा आज काम से गए, अदनान आज बताएंगे कैसा बना है ये प्रॉन बिरयानी। मसाला रस बहुत बढ़िया बन रहा है, ट्राई करना चाहिए। प्रॉन टिक्का बिरयानी है, टेस्ट अच्छा है, रेसिपी ट्राई करना चाहिए। अदनान बोले हैं आप ट्राई कर सकते हो, हम लोग इंजॉय करते हैं। आपका कैसा बना हमें ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।